तो अकाउंटिंग की क्लास का आज भी हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे। कल की क्लास का एक छोटा सा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अकाउंटिंग का फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसको बचाने के लिए क्या क्या करना होता है ये लिस्ट लिखी है, जो जो करना होता है। सबसे पहले अवॉइड कैथेटराइजेशन, तब तक अवॉइड करो जब तक बहुत जरूरी ना हो। अगर करना ही पड़े तो इंटरमीडिएट कैथेटर को ज्यादा प्रेफरेंस दो, इनडवेलिंग कैथेटर को कम प्रेफरेंस दो। उसके बाद जब आप कैथेटराइजेशन कर रहे हो तो एक असिस्टेंट और ट्रे साथ में लो। एसेप्टिक टेक्निक का यूज करो, सबसे पहले अच्छे से हैंड हाइजीन, फिर पूरा का पूरा प्रोसीजर एसेप्टिक टेक्निक से होगा। प्राइवेसी पेशेंट की मेंटेन होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए उसको। रिटन कंसेंट जरूरी नहीं है, जनरल कंसेंट हो जाता है। देन आपको कैथेटर लगाने के बाद कैथेटर सिक्योर करना होता है। पहले से अगर यूरोबैग कनेक्ट कर लेते हो, वेल इंक्लूड नहीं करते तो भी यूरिन का स्प्लैश नहीं होना चाहिए, ये बचा के रखना है। कैथेटर सिक्योर का मतलब आपको जो उसको थाई पे चिपकाने के लिए बताया था, कैथेटर को घुमाकर थाई पे लगाना है ताकि वो इधर से उधर मूवमेंट ना करे। देन क्लोज लूप, ज्यादा पूरे टाइम पे वो पूरी तरह से पैक रहेगा, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए, एयर या लीकेज नहीं होना चाहिए उसका यूरिन का। देन पोजीशन, ठीक, तो पोजीशन जो रहेगी यूरोबैग की वो ब्लैडर और फ्लोर के बीच में रहेगी। ब्लैडर से ऊपर नहीं होना चाहिए नहीं तो बैक फ्लो हो जाएगा, फ्लोर पे टच नहीं होना चाहिए नहीं तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन रिमूव एसेप, जितनी जल्दी हो सके कैथेटर को रिमूव करने का प्लान करना चाहिए ताकि जितना कम टाइम पे रहेगा उतना ही कम चांसेस होंगे यूटीआई बनने के। कैथेटर केयर डेली मेंटेनेंस होना चाहिए, दिन में कम से कम दो बार, एक बार मॉर्निंग में क्लीन होगा, एक बार इवनिंग में क्लीन होगा। देन मॉनिटर करना है साइन एंड सिम्टम्स को, फीवर तो नहीं आ रहा, इचिंग तो नहीं है, बर्निंग तो नहीं है, रेडनेस है या इरिटेशन बहुत ज्यादा हो रही है या यूरिन में पस आ रहा है, ऐसा कुछ अगर दिखता है तो उसको तुरंत अवॉइड नहीं करना, उसको तुरंत रिपोर्ट करना। क्या क्या चीजें नहीं करनी है, सबसे पहला एंटी माइक्रोबियल तब तक यूज नहीं करना है जब तक बहुत ज्यादा इंडिकेटेड ना हो। जैसे कि एंटी माइक्रोबियल फ्लश करने का कोई फायदा नहीं है, अलग से एंटीबायोटिक्स चलाने का कोई फायदा नहीं है, बेटाडीन यूज करना या कोई एंटी माइक्रोबियल केमिकल को यूज करना क्लीनिंग के लिए उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक ऑर्डर नहीं है तब तक उसको करो नहीं। आपको यूज क्या करना है, 0.9% एनएस नॉर्मल सेलाइन पास, उसी से आप क्लीनिंग कर दो, उसी से कैथेटर मेंटेन रहेगा, ऐसे यूटीआई होने के चांसेस बहुत कम। सेकेंड थिंग, कैथेटर को इरिटेट नहीं करना। इरिटेट मतलब कभी किसी भी वजह से बार बार अंदर बाहर पुश कर रहे हैं इंसर्ट करते टाइम या मेंटेनेंस के टाइम, या फिर आपने उसको सिक्योर नहीं किया, कभी इधर भाग रहा है कभी इधर, पेशेंट इरिटेबल है तो बार बार मूव कर रहा है उसकी वजह से इरिटेट हो रहा है तो अंदर म्यूकोसल मेम्ब्रेन डैमेज कर देगा, ब्लड आने लगेगा, ये नहीं करना। टाइमली चेंज, पहले ये होता था 11 दिन 14 दिन में कैथेटर चेंज कर दो चाहे सिम्टम्स है या नहीं है, ये चीज नहीं करनी है। सीडीसी ने गाइडलाइन पूरी तरह से बंद कर दिया है, सिम्टम्स है ऑर्डर होता है कैथेटर चेंज करने का तो करो, नहीं तो जब तक आपको जरूरत है कैथेटर की आप उसको बना रहे, ठीक है। कल्चर टेस्ट, पहले प्रैक्टिस ये भी थी कि जब भी फॉलिश कैथेटर आउट किया जाएगा चेंज करते टाइम उसका टिप काट के कल्चर के लिए भेजा जाएगा, ये भी प्रैक्टिस अब नहीं करनी है। आपको जो भी कल्चर भेजने का अगर ऑर्डर है तो आप यूरिन का सैंपल लेके कल्चर भेजिए, टिप कल्चर भेजना अब प्रैक्टिस में नहीं, ऑब्सोलीट कर दिया है। हेयर शेव या रेजर, आपको शेविंग नहीं करनी है पार्ट प्रिपेयर करने के लिए, आप सिर्फ या तो हेयर रिमूवल क्रीम यूज कर सकते हो या फिर आप ट्रिमर का यूज कर सकते हो, रेजर नहीं करोगे शेव नहीं करोगे, ठीक है। पूरे टाइम जब कैथेटर पड़ा रहेगा तो किंकिंग का मतलब होता है दरार पड़ना, जैसे कपड़ों में वो आ जाते हैं रिंकल्स आ जाते हैं, वैसा कैथेटर कभी भी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, दबा नहीं होना चाहिए, प्रेस नहीं होना चाहिए और उसमें लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते से यूरिन बाहर आ सकता है उस रास्ते से माइक्रोबियल अंदर भी जा सकते हैं, तो ये लीकेज नहीं होना चाहिए। इतनी चीजें आप फॉलो कर रहे हो देन आपका यूटीआई हॉस्पिटल में नहीं होगा, अगर होता है तो आपको क्या करना है, फिर आपको उसको रिपोर्ट करना है और उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है। आज का सेशन पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन पे है, तो काउंटी से रिलेटेड आपका एक रजिस्टर बना होगा हॉस्पिटल में, बना है कि नहीं? उस रजिस्टर में क्या नोट करते हो आप? एक रजिस्टर है उसमें आपको एंट्री करनी होती है हर उस पेशेंट की जिस पेशेंट को फॉलिस कैथेटर डाला जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले उसमें आ जाता है डेट, ठीक है। आज क्या डेट है? 11/11/2021, ठीक। सपोज आज की डेट पे हमने एक पेशेंट को कैथेटर डाला तो हम सीरियल नंबर यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, ठीक। पेशेंट की पहचान हॉस्पिटल में यूएचआईडी नंबर से होती है तो यहाँ पर आप उसका यूएचआईडी नंबर लिखोगे या फिर आईपीडी नंबर अगर है तो आईपीडी नंबर लिखोगे, यूएचआईडी जरूर लिखना है। देन पेशेंट का नाम डालना है, उसका एज और जेंडर डालना है, क्यों? क्योंकि हम कम से कम 3 क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कम से कम 3 से क्रॉस मैच किया जाता है, ठीक। देन ये डेट ऑफ इंसर्शन तो है
ठीक, यहाँ पे हमें लिखना होता है DOI, मतलब डेट ऑफ इंसर्शन, किस डेट में हमने इंसर्ट किया। उसके साथ हमें मेंशन करना होता है प्लेस, प्लेस ऑफ इंसर्शन मतलब आप वार्ड में ड्यूटी है, OT से कैथेटर लग के आपके पास आएगा, ठीक, तो आपने तो नहीं लगाया, अगर UTI हो रहा है तो गलती किसकी, OT वाले की, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है OT, या फिर इमरजेंसी से पेशेंट एडमिट हुआ, इमरजेंसी में कैथेटराइज हो गया, उसके बाद ICU शिफ्ट हो गया, तो ICU वाला अपने रजिस्टर में यहाँ पर लिखेगा इमरजेंसी, और इमरजेंसी में जो कॉटी का रजिस्टर होगा उसमें वो मेंशन करेगा हमने ही इंसर्ट किया, ठीक। फिर इंसर्ट करने वाले पर्सन का नाम, कौन सा स्टाफ था, किसने इंसर्ट किया, ठीक है, इतनी डिटेल्स तो ये हो गई। इसके बाद इसी के साथ होता है डेट ऑफ रिमूवल, किस डेट को आप रिमूव कर रहे हो, देन प्लेस ऑफ रिमूवल, किस जगह पे रिमूव कर रहे हो, और रिमूव करने वाले के स्टाफ के नाम और साइन। समझ में आती बात, तो जितने पेशेंट्स को पॉलिस कैथेटर हॉस्पिटल में पढ़ रहा है उनका पूरा रिकॉर्ड हो गया, कहां पे पढ़ा, किसने डाला, कब निकाला, कहां पे निकाला, सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई, ठीक है, ये एक रिकॉर्ड आपका रजिस्टर बन गया। ये हर पेशेंट की एंट्री हर वार्ड में अलग अलग होनी है, इमरजेंसी का अलग बनेगा, ICU अलग, वार्ड अलग, OT अलग, सब जगह का अलग अलग ही बनेगा, अभी है इसको ऑलरेडी फॉलो कर, ठीक है। देन इसके अलावा आपने कौन सा रिकॉर्ड करना है, अगर आप काउटी के लिए, जैसे किसी पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, अब उसको फीवर हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, कुछ है, तो उसका यूरिन कल्चर भी तो भेजोगे, ठीक है, तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है कल्चर और सेंसिटिविटी सैंपल भेजने का। कैसे, सेम डिटेल्स रहेंगी, सिम्टम्स क्या थे वो नोट कर लो, फीवर था कि इचिंग थी कि पेन था कि पास आ रहा था क्या था, देन कल्चर की डेट, किस डेट में आपने कल्चर का सैंपल भेजा, किस डेट में रिपोर्ट आई है आपके पास, रिपोर्टिंग की डेट, और कल्चर का रिजल्ट क्या था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था, अगर नेगेटिव था तो नेगेटिव लिख दिया खत्म कहानी, अगर पॉजिटिव था तो ऑर्गेनिज्म कौन सा था और लोड कितना था, ऑर्गेनिज्म मतलब इकोलाई, सुना है इकोलाई तो जानते होंगे, UTI में सबसे ज्यादा कॉमन आता है इकोलाई, ठीक है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, आपने इकोलाई लिख दिया, क्लियर हो गया, पॉजिटिव तो है तभी तो इकोलाई आया, ठीक। अब इसका जो लोड है 10^2 है या 10^3 है, जितना भी है उतना आपने इसमें लिख दिया, तो ये आपके पास रिजल्ट मेंटेन हो, ठीक। ये रजिस्टर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ICN की होती, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की, आपको सिर्फ उन्हें बताना होता है कि इस पर्सन का कल्चर आपने भेजा है या आप भेज रहे हो, ठीक है, तो वो रजिस्टर में मेंटेन होता है, तो ये दो रजिस्टर आपके काउंटी के मेंटेन हो जाते हैं। कितनी चीज समझ में आती है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, ये दोनों मेंटेन कर रहे हो, अभी चल रहा है हॉस्पिटल में, दीपिका मैडम यूज कर रही है, आप लोग नहीं कर, ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, कल को आपको भी ड्यूटी शिफ्ट की जाएगी, हर वार्ड का अलग अलग करेंगे तो आपको भी करना है, इसमें कोई डाउट है नहीं, तो आपके दो रजिस्टर क्लियर हो गए, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका जो रिपोर्ट होता है वो होता है इंसिडेंस रिपोर्टिंग, क्या होता है इंसिडेंस रिपोर्टिंग, इंसिडेंस का मतलब होता है घटना, कोई घटना हुई है हॉस्पिटल में, क्या घटना हुई है, काउटी के सिम्टम्स आए, तो ये रिपोर्ट करना होता है किसको, आपके ICN को, आपके मैनेजमेंट, जैसे हॉस्पिटल मैनेजर मैं हूँ, मैं ही देख रहा हूँ क्लिनिकल का पूरा डिपार्टमेंट, तो ये रिपोर्ट मेरे पास आएगी कि फला फला पेशेंट को काउटी के सिम्टम्स है, इसका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल है, आप उसमें खाली रिपोर्ट लिखकर भेज दो, ये काम था, उसके करेक्टिव एक्शन में लिखा जाता है कि हमने ये कल्चर भेजा या जो भी किया उसमें, तो वो रिपोर्ट हम मेंटेन रखते हैं अपने पास, तो तीसरा रिकॉर्ड आपका हो जाता है इंसिडेंस रिपोर्टिंग का, ओके। देन इसके बाद आपका एक रिकॉर्ड आ जाता है HIC इंडिकेटर, HIC का फुल फॉर्म है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, और इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे SSI काउटी हो गया, SSI हो गया, क्लैप्सी हो गया, वैप हो गया, ये सारे इसके इंडिकेटर्स होते हैं, ये भी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का काम है, जनरल स्टाफ का काम नहीं है, तो ICN का रिकॉर्ड ये रहेगा कि कितने पेशेंट को पॉलिस पड़ा, उसमें से कितने पेशेंट को पॉजिटिव सिम्टम्स आए, सपोज आपने एक महीने में 50 पॉलिस डाले, ठीक है, उनमें से दो लोगों को सिम्टम्स आए SSI के, तो इसका फॉर्मूला रहता है, इसको हमें निकालना होता है परसेंटेज, कि कितना परसेंटेज हमारा काउंटी का रिकॉर्ड जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैसे निकालोगे, इसका एक अलग रजिस्टर होता है, इसमें आपको निकालने होते हैं इन डेज, वो भी बता दो, चलो उसको बाद में बता दो, HIC इंडिकेटर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। देन आपने इसे इंसिडेंस रिपोर्टिंग हमको रिकॉर्ड करा दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करते हैं RCA और कापा, ये सुना है कभी,
नहीं सुना, आरसीए का फुल फॉर्म है रूट कॉज एनालिसिस। क्या है? रूट कॉज एनालिसिस। बोलो आरसीए का फुल फॉर्म एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस का मतलब होता है आप इसके कॉपी तो हो गया पेशेंट को, हुआ क्यों, उसकी वजह क्या थी, तो हो गया कॉज, और उसकी जड़ कहां पे है, तो हो गया रूट। ठीक है, मतलब जो भी काम हुआ है, अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी कोई तो वजह होगी। क्या वजह हो सकती है? आपने एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं किया, हो सकता है पहले से ही सिम्टम्स रहे हो, आपने ध्यान नहीं दिए। ठीक है, या फिर आपने कोई ऐसा प्रोसीजर किया जो एसेप्टिक नहीं रहा, आपने इन्फेक्शन का सोर्स उसको दे दिया, या कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं हाउसकीपिंग स्टाफ से बोलते हैं यूरो बैग खाली कर दो तो खोल देता है या ऐसा कुछ कर देता है, तो कोई भी कॉज हो सकता है जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कॉज आइडेंटिफाई करना होता है, इसको देखना होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि हुआ क्यों क्यों, ताकि आगे ना होने पाए। ठीक है, वो जो भी कॉज है उसको वहीं पे रोक दे। देन उसको आता है कापा। कापा का फुल फॉर्म है करेक्टिव एक्शन, मतलब जो गलती हो गई है उसको ठीक करना और आगे होने से बचाना, तो प्रिवेंटिव एक्शन। ठीक है, अब ये गलती हुई, गलती क्यों हुई उसकी वजह ढूंढ ली, गलती को ठीक करना है और गलती को आगे होने से रोकना है, तो ये रिकॉर्ड बनता है कि इस इंसिडेंस रिपोर्ट, जो आपने जितनी भी इंसिडेंस रिपोर्ट करी है उसका ये तीनों चीजें आपने क्या किया उसका रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, ये क्वालिटी इंडिकेटर्स का एक पार्ट होता है, ये आपका काम नहीं है, ये मैनेजमेंट की टीम का काम है, बट आपको पता होना चाहिए कि होना है। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं तुम्हारे आखिरी रिकॉर्ड पे, एचआईसी इंडिकेटर। जो भी हमने पॉलिश कैथेटर को इंसर्ट करने का रिकॉर्ड बताया था उसमें हमने बताया था डेट ऑफ इंसर्शन, किस डेट को डाला गया, और डेट ऑफ रिमूवल, किस डेट को निकाला गया। ठीक, इसके साथ इसमें होता है इन डेज, हाँ, मतलब कितने दिनों तक फॉलेज इसमें पड़ा रहा पेशेंट के अंदर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने 9 तारीख को किसी पेशेंट का फॉलेज इंसर्ट किया, ठीक है, और 11 तारीख को हमने उस पेशेंट का फॉलेज रिमूव कर दिया, कितने दिन पड़ा रहा? 3 दिन। ठीक है, 9 तारीख को डाला, इसमें टाइम नहीं लिखा है, ठीक है ना, 9 तारीख को डाला, 11 को निकाल दिया, हो सकता है शाम को डाला सुबह निकालो, तो जब डेट चेंजेस है, डेट चेंज है, तो हम इसको 2 ही दिन देते हैं, 9 और 2 11, ये कितने हुए? 2 दिन। अब किसी पेशेंट को 11 तारीख को ही डाला और 11 को ही निकाल दिया, कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए, एक पूरा दिन इसको कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, एक दिन, समझे नहीं समझे? ठीक है, भले आपने आधे घंटे डाला, आधे घंटे के बाद निकाल दिया, या 1 घंटे डाल के निकाल दिया, तब भी आप उसको पूरा कैलकुलेट करोगे, कितना, 1 दिन। ठीक, इसी तरह से जितने पेशेंट के रिकॉर्ड आप डालते जाओगे उतने पेशेंट के डेज आप इसमें इंसर्ट करते जाओगे। और क्या चीज, 2 डे, तुम घंटे जोड़ो, 9 से 10 तारीख को 1 दिन पूरा होगा, 9 तारीख को तुमने डाला, 10 तारीख को 1 दिन पूरा होगा। ठीक, उसके बाद 11 तारीख को कितने दिन पूरे होंगे? 2 दिन। तो मेरी बात, ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है, अगर हम इसको 9 को ही डाल के निकाल देते तो हम उसको 1 दिन जोड़ते। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको 9 को डाला, 10 को डाला, 11 12 इससे करके निकला है, तो फिर हम 20 का डिफरेंस ही लेते हैं, क्योंकि जो भी हमने डाला हुआ है उसमें आवर्स का फर्क आ जाता है, और ये फर्क मैनेज कैसे होता है, सपोज यहाँ पे हमने फर्क को कम कर दिया, यहाँ पे तो फर्क ज्यादा हो रहा है ना, एक पेशेंट का तो फर्क ज्यादा हो रहा है, तो वो ऑन एन एवरेज बराबर है। ये 100% एक्यूरेट डेटा नहीं कहा जा सकता, 100% एक्यूरेट डेटा लेना है तो हमको डेज की जगह आवर्स करने पड़ेंगे, कितने बजे हमने डाला, कितने बजे निकाला, फिर घंटे कैलकुलेट करो कितने घंटे तक रहा, फिर उन घंटों को डेज में कन्वर्ट करो, फिर फॉर्मूला निकालो, वो फूल प्रूफ है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो एक्यूरेट, उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए हम उसको नहीं यूज करते, हम सीधे डेज को कैलकुलेट करते। ठीक है, अब पूरे महीने में जितने फॉलिस पड़े उसके जितने भी दिन हुए, 2, 1, 4, 5, 6, 7, उसको टोटल कर लिया जाता है, वो आपके टोटल हो जाते इन डेज। क्या हो जाते हैं? कैसे था? इन डेज। ठीक है, अब ये काउटी का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज आपने 50 पेशेंट्स को फॉलिस डाला, उसमें से 2 पेशेंट को सिम्टम्स आए, तो काउटी का जो फॉर्मूला होगा वो ये होता है, पॉजिटिव केसेस यानी कि 2,
डिवाइडेड बाय इन डेज, टोटल इन डेज कितने रहे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। समझ में आती है, ठीक है, तो कितने पेशेंट को आया और इन डेज कितने थे उसको मल्टीप्लाई करना है 1000। अब ये फॉर्मूला सही तभी रहेगा जब आपका ये रजिस्टर सही रहेगा। अगर आपने इस रजिस्टर में एक पेशेंट की एंट्री गायब कर दी तो ये फॉर्मूला गलत हो गया, क्योंकि हमको निकालना क्या है, इन डेज। टोटल कितने पेशेंट को पॉलिस पड़ा उससे मतलब नहीं है, हमें निकालने क्या है, इन डेज निकालने। तो आपका रजिस्टर कंप्लीट रहेगा तभी इन डेज निकलेगा। तो उनमें आती बात, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और उठता है, एक पेशेंट है उसको फॉलिस हमने डाला 29 जुलाई 2021 को, ठीक है, उसका फॉलिस निकाला 6 अगस्त 2021 को, ठीक है। अब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इन डेज की वो तो हम हर महीने कर रहे हैं, और ये कैथेटर जुलाई में भी है और अगस्त में भी है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका है, महीने को इससे 20 से तोड़ दो। जैसे कि पेशेंट का नाम सपोज मान लो राहुल है, ठीक, तुमने अपने रजिस्टर में पेशेंट का नाम एंट्री किया राहुल, डेट डाल दी 29 जुलाई, ठीक है। उसके बाद जब 31 जुलाई आ जाएगी तो ये रजिस्टर खत्म हो जाएगा। 31 जुलाई तक इसके जो डेट होंगे, जो आउट रिमूवल वाली डेट है, रिमूवल वाली डेट में क्रॉस लग जाएगा और 29 तारीख से 31 तारीख तक के इसके दिन 3 जोड़ दिए जाएंगे। फिर जब अगस्त का रजिस्टर आप मेंटेन करोगे, इसी की एंट्री को दोबारा करोगे, रिपीट एंट्री करोगे राहुल की, और इन वाली डेट में क्रॉस मार दोगे और जो रिमूवल वाली डेट है वो 6 अगस्त हो जाएगी, तो टोटल हो जाएंगे 6 दिन, ठीक है। अब ये 3 जुलाई में कैलकुलेट हो जाएगा, ये 6 अगस्त में कैलकुलेट हो जाएगा, तो तुम्हारा जुलाई का रिकॉर्ड अलग मेंटेन हो जाएगा और अगस्त का अलग। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये सारे कैलकुलेशन आईसीएन का काम है, तुम में से कभी कोई आईसीएन पे आगे प्रमोट होगा तो उनको ये काम करने पड़ेंगे। अच्छा काम है ये भी, क्लिनिकल से बच जाते हो आप लोग, बट उसके लिए ये सब चीजें आनी चाहिए। समझ में आ रही बात। तो आपको काउंटी से रिलेटेड कितने रिकॉर्ड बेसिक मिनिमम चाहिए, पहला इंसर्शन रिकॉर्ड जिसमें आप एंट्री करोगे पेशेंट की, दूसरा आपका ये इंसिडेंस रिपोर्टिंग अगर पॉजिटिव आए तो, तीसरा आपका कल्चर जो भेजोगे उसका रिकॉर्ड, चौथा आरसीए और कापा, और पांचवा आपका एचआईसी इंडिकेटर। ये इतने रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं काउंटी, और ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपने एंट्री कैसी करी। अगर आपने एंट्री सही किया है तो वेल एंड गुड, एंट्री सही नहीं किया है कोई फायदा नहीं। लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले कि तुम में से कोई हमसे क्वेश्चन पूछे, कोई पेशेंट अगर बाहर से आता है पॉलिस डलवा कर तो उसकी हम डेट ऑफ इंसर्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी डेट ऑफ इंसर्शन कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर उसे मालूम है, कंफर्म है कि किस डेट को उसको पॉलिस डाला गया तो डेट ऑफ इंसर्शन में वो डेट डाल दो, अगर नहीं मालूम है उस पर लिख दो आउटसाइड फिनिश, ठीक है। अब डेट ऑफ रिमूवल तो हमारे हाथ में है ना, ठीक है, जिस भी डेट को हमने निकाला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, जितने डेज आ गए वो डेज यहां मेंशन कर दो, हम उसे ही कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले कितने दिन पड़ा रहा उससे हमें मतलब नहीं है, हम उसे ही कैलकुलेट करेंगे। और अगर ये एडमिशन के 72 आवर्स के अंदर अंदर सिम्टम्स दे देता है तो ये हॉस्पिटल रिक्वायर्ड नहीं है, बाहर से लेकर आए। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। नाउ इसी का जस्ट अपोजिट, कोई पेशेंट हॉस्पिटल से फॉलिस पे बाहर गया तो हम उसकी डेट ऑफ रिमूवल नहीं लिखेंगे, ठीक है, इस पे लिख देंगे डिस्चार्ज विद फॉलिस, ठीक है, और उसकी डिस्चार्ज की डेट यहां लिख देंगे और इंसर्शन और डिस्चार्ज के बीच का गैप निकाल के नंबर ऑफ डेज यहां लिख देंगे। ओके, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, ठीक। तो अगर तुम में से किसी को ये रजिस्टर किसी दिन पकड़ा दिया जाए कि इसमें एंट्री कर दो, कर लोगे, परेशान तो नहीं होगे कि हमको क्या दे दिया, मैथ बता के संस्कृत का पेपर ले रहे हो हमसे। ओके, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने बता दी, कोई एक आध पॉइंट रह गया हो तो बात अलग है, हमको बता दे रहे, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसमें आपको इसको रीड आउट करना है तो इसकी गाइडलाइन सीडीसी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर लो, उसको रीड आउट कर लो और अपने आज जाकर अपने अपने वार्ड्स में देख लो कि ये रजिस्टर कहाँ है,
अगर उसमें कोई एंट्री मिसिंग है तो उसकी एंट्री कर लो, और इसमें से जो जितनी एंट्री आप करते हो, सपोज 10-12 एंट्री करी, उसमें से जो पॉजिटिव केस होते हैं उसको हम किसी भी कलर से हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करने से दिख जाएगा कि ये पॉजिटिव केस है। अब इसमें हम लोगों ने एक हॉस्पिटल में दो कलर यूज किया था, एक कलर दिखाता था कि ये पॉजिटिव केस है, एक कलर दिखाता था कि इसकी एंट्री अगले महीने में है, यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ आगे गया है, तो उसमें हाईलाइट था। तो ये हाईलाइट करके कलर कोडिंग से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं वो अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी करना हो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी एंट्री है, कोई बाहर से आके पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सको, और कोई बाहर से आके मतलब एसएसआर, एनएबीएच का एसएसआर कोई आता है पूछने के लिए तो आप उसको एक्सप्लेन कर सको, बस रिकॉर्ड आपका अपना। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी नहीं? किसी और टॉपिक पे जो स्पेशली तुम लोग चाहो कि हमको इस टॉपिक पे ट्रेनिंग दे दें या इस टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए, मुझे बता दो, हम उस टॉपिक पे डिस्कशन ट्रेनिंग अरेंज कराते हैं। ठीक है, अगर चाहो तो।